आप देख रहे तेज खबर 24 और आपके साथ मैं राहुल। नवोदय विद्यालय में प्रवेश की परीक्षा के लिए आज परीक्षा में 3,500 से अधिक छात्र छात्राएं रीवा जिले में आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हुए। 360 प्रवेश परीक्षा के लिए रीवा जिले में 15 केंद्र बनाए गए। ब्लॉक स्तर पर जवा, त्योथर, सिरमौर, गंगेव, हनुमना, मऊगंज, नई गढ़ी, रायपुर, करचुलियान के केंद्र सहित रीवा शहर में परीक्षा के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें, नवोदय विद्यालय के द्वारा आयोजित कराई जा रही परीक्षा कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए ली जा रही है। परीक्षा के बाद ही चयनित बच्चों का प्रवेश विद्यालय में किया जाएगा। सर, आज परीक्षा संचालित की जा रही है, इसकी परीक्षा कितने छात्र शामिल हैं? नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा है, जो बच्चे कक्षा 5 पास 6 में जाएंगे उनकी प्रवेश परीक्षा है। इस मार्थन क्रमांक 3 में 360 बच्चों का सेंटर बनाया गया है, और जिसमें से अभी तक में 66 बच्चे उपस्थित हैं, 294 बच्चे प्रेजेंट हैं। सर, और कहाँ कहाँ इसका सेंटर? इसके सेंटर मार्तंड 1, वहाँ भी 360 हैं। वो पीके स्कूल है, गवर्नमेंट पीके कन्या स्कूल में, वहाँ पर 368 बच्चे हैं। कौन सी कक्षा के लिए है सर ये? कक्षा 6 में प्रवेश होगा। आर्यल दीपांकर सर, ये कल एमपी बोर्ड एग्जाम के पेपर परिणाम, परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं सर, जैसे जो बच्चे इस बार असफल हुए हैं तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो आगे बढ़े? उनको घबराने की बात नहीं है, शासन उनके लिए 2-3 स्टेप दिया है। अभी तो पूरक के लिए भी डेट आ गई है, जो डेट 20 जून से परीक्षाएँ होंगी मध्य प्रदेश बोर्ड की, और इसके बाद फिर रुक जाना नहीं, के अंतर्गत भी परीक्षाएं होती हैं, और 2 बार में इनकी होती है परीक्षा। अभी इस परीक्षा के बाद होगा जुलाई के आसपास में, और फिर दिसंबर में भी होती है, तो बच्चे एक एक विषय में पास होकर और निकल जाया करते हैं। बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें रुक जाना में कितने पेपर दिए जा सकते हैं? रुक जाना में तो सभी विषय में बच्चे बैठते हैं। दूसरा मौका मिलेगा, तीसरा भी मिलता है। एक बार इसकी परीक्षा इस गर्मी में होगी, माने इस मेन पेपर के बाद, और फिर एक बार दिसंबर में हुआ करती थी। इस 2 साल में कोरोना कारण नहीं हो पाया, अब तो परीक्षा हुई है इस बार। सर, अभी जो रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें अपने रीवा जिले के काफ़ी छात्र प्रवीणता सूची में है, तो क्या मानना है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है? शिक्षा का स्तर बढ़ा है, बच्चे जागरूक हैं, गार्जियन भी जागरूक थे। बच्चे घर में रह कर ऊब गए थे, उन्हें घर में ही पढ़ाई किया, और इस साल ऐसा लगता है कि पढ़ाई ईश्वर चाह तो होगी और बच्चों का विकास होगा।